नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, अब एक बार में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं और 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं ओमार सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी, जबकि 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ ओमार सीट पर होगी। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी मार्च में किया जा सकेगा। यह फैसला कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष और सचिव व अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे, इसके बाद जैक परीक्षा लेने की तैयारी में जुट जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान विशेष परिस्थिति में दो टर्म में परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया था, अब दो टर्म में परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब परीक्षा एक टर्म में मार्च में ही ली जाएगी, इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। रांची में जेसोवा का दीपावली मेला आज से, सीएम हेमंत सोरेन पत्नी शंख करेंगे उद्घाटन। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइवस एसोसिएशन जेसोवा की ओर से 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिवसीय दीपावली मेला आयोजित मोराबादी मैदान में लगाया जा रहा है। आज शाम उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन करेंगे। मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले में झारखंड समेत देश भर के 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार व झारखंड के विभिन्न जिलों के उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। जेसोवा की सचिव निक्की टोपो ने बताया है कि मेले से प्राप्त आय को सामाजिक सरोकार में लगाया जाता रहा है। उन्होंने बताया है कि इस मेले के दौरान भी प्रतिदिन चैरिटी वर्क किए जाएंगे। मेले में प्रतिदिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, इसमें देश भर के प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए गेम्स भी होंगे। शहीद देवेंद्र मांझी की 28वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए आंदोलन करने वाले झारखंड के चक्रधरपुर और मनोहरपुर के विधायक रहे शहीद देवेंद्र मांझी की आज 28वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनकी पत्नी और राज्य के कैबिनेट मंत्री जोभा मांझी ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नेत्रहाट विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय लातेहार स्थित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए शनिवार से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की गई है। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 29 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालयों में संबंधित जिलों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। इस बार भी प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी। यह परीक्षा एक पाली में 2.5 घंटे की होगी, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के होटवार जेल के कैदी दीपावली पर बना रहे हैं डिजाइनर मोमबत्ती। 250 रुपये तक है इसकी कीमत। रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के बंदी दीपावली पर डिजाइनर मोमबत्ती बना रहे हैं। उक्त मोमबत्ती को बाजार में बेचने की योजना है। इसकी कीमत 250 रुपये तक रखी गई है। 14 अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू हो गई है। यह होटवार जेल के मुख्य गेट के पास व सिविल कोर्ट स्थित डालसा कार्यालय के नीचे मोमबत्ती मिलेगी। जेल प्रशासन के अनुसार मोमबत्ती बनाने के लिए मोम, धागा, कलर आदि बाजार से खरीदे गए हैं। उक्त मोमबत्ती की बिक्री से जो आय होगी इसका इस्तेमाल बंदी कल्याण फंड में किया जाएगा। उक्त फंड से बंदियों के मेधावी बच्चों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ दिन पहले 10वीं व 12वीं में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले बंदियों के बच्चों को जेल में कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया गया था। डिप्लोमा स्तरीय जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जूनियर इंजीनियर 2021 दोबारा 23 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 7 नवंबर तक चलेगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद व हजारीबाग जिला में अवस्थित केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को नए सिरे से फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कराया गया है।
जमीन से जुड़े 80% मामलों का नहीं हो पा रहा समाधान। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमीन से जुड़े 80% मामलों का मौके पर समाधान नहीं हो पा रहा या परेशानी राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते खड़ी हुई है। अंचल कार्यालयों में पहले से ही दाखिल खारिज, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन सुधार, विविध वाद, भूमि हस्तांतरण जैसे मामले लंबित चल रहे थे। ऊपर से राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल ने समस्या और बढ़ा दी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दाखिल खारिज हुआ भूमि जो है हस्तांतरण से जुड़े मामले सबसे अधिक आ रहे हैं, लेकिन राजस्व कर्मचारी शिविर में पहुंच ही नहीं रहे हैं। ऐसे में जमीन के दस्तावेज भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि लोगों से आवेदन लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिया जा रहा है। बता दें कि राजस्व कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। एम्स ने पंकज मिश्रा को भर्ती लेने से किया इनकार। रिम्स से एम्स ने कहा, पूरी रिपोर्ट भेजें, आने से पहले सूचना दे, जांच के बाद देखेंगे। पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ ईडी की जांच में उनके कई राज से पर्दा खुल रहा है, तो दूसरी तरफ अब एम्स ने भी जो है भर्ती लेने से इनकार कर दिया है। एम्स ने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, अचानक इस तरह इलाज नहीं हो सकता है। एम्स ने भर्ती लेने से इनकार करते हुए कहा है कि पहले पेनक्रियाटाइटिस की जांच कराई जाए, रिम्स प्रबंधन ब्लड जांच सहित सभी प्रकार की जांच कर पूरी रिपोर्ट हमारे पास भेजे, एम्स में इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर जांच रिपोर्ट से कुछ निकलकर सामने आता है या कोई गड़बड़ी मिलती है तो मरीज को तत्काल दिखाने की जरूरत महसूस होती है, तब भी ओपीडी में लाकर दिखा सकते हैं। पंकज मिश्रा को लाने से पहले इसकी पूरी जानकारी एम्स को देनी होगी। झारखंड में अग्निकांड, गुमला में एक युवक को जलाकर खेत में फेंका, अधजला शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के आदर परसा गढ़ा के समीप एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया है। यह शव घाघरा पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव की महिलाएं मवेशी के लिए घास काटने गई हुई थी, जहाँ देखा कि एक युवक का शव जला हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना घाघरा पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। बताते चले कि युवक का आधा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है, कमर से नीचे का हिस्सा में कहीं कहीं जलने का निशान है। शरीर इस तरीके से जला हुआ है कि शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में घाघरा थाना प्रभारी अमित चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक अज्ञात युवक का अर्धजला शव मिला है, अज्ञात शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जल्द ही इसकी शिनाख्त हो जाएगी। हालांकि पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए जुट गई है। छात्रवृत्ति में 3 गुना तक वृद्धि, 35 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 3 गुना तक की वृद्धि की गई है। राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत 35 लाख गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे उन्हें पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। वे कल झारखंड मंत्रालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सार्वजन पेंशन योजना से करीब 10 लाख नए लोगों को पिछले 1 साल में जोड़ा गया है। छूटे हुए लोगों को अगले 1 माह में योजना से जोड़ना है। अभियान में 1 माह के दौरान कम से कम 5 लाख नए पात्र लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय करने का निर्देश सीएम ने दिया है। इसके लिए उन्होंने सार्वजन पेंशन योजना के सभी आवेदनों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी परमंडलीय आयुक्त और जिलों के उपायुक्त मौजूद थे। लंबित कांडों के अनुसंधान को लेकर दिया गया टारगेट। झारखंड भर में लंबे समय से लंबित केस के अनुसंधान की मॉनिटरिंग और केस निष्पादन के लिए कल गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय में हुई वेसी में सभी जिलों के SP व जोनल DIG शामिल हुए। DGP नीरज सिन्हा के आदेश पर इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। DGP नीरज सिन्हा के आदेश पर गठित टीम को 31 दिसंबर तक कांड के निष्पादन का टारगेट दिया गया है। कुएं से मिली मां और नवजात बच्ची की लाश, धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के बागमारा पंचायत की सरिया भीठा गांव के एक कुएं से सड़ी गली अवस्था में 27 वर्षीय मंगला देवी और 6 महीने की नवजात बच्ची रीता कुमारी की लाश मिली है। साथ ही कुएं के पास से जहर की शीशी भी मिली है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतका एवं उसकी नवजात बच्ची 1 हफ्ते से लापता थी। 1 सप्ताह से लापता होने के बावजूद पति पानालाल महतो द्वारा बलिया थाने को इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बीती रात पंचायत के मुखिया पति संजीत गौराई को इस बाबत देर रात सूचना मिली, लेकिन देर रात होने के कारण कुछ नहीं किया गया। फिलहाल बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नवजात का शव बरामद, स्कूल की दीवार के पास मिला शव।
पलामू जिला में पांकी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के अहाते के पास से एक नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पांकी थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने बताया है कि पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। स्कूल के अहाते से सटा हुआ शव बरामद हुआ है और यहाँ पर शव कैसे आया है। पांकी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इस स्कूल के अहाते के ऊपर तार लगा हुआ है, तार में एक कपड़ा फंसा है, उस कपड़े में खून के निशान भी हैं। पांकी कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की जो है वार्डन नीलम ने बताया है कि क्वार्टर के पीछे शव फेंका गया है। स्कूल की बच्चियां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घटना से उनमें भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार मामले में प्रशासनिक स्तर पर जाँच शुरू कर दी गई है।